हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को जीत दिलवाने के लिए पूर्व सांसद एवं कांग्रेस चुनाव समिति के सह संयोजक सुरेश चंदेल ने प्रचार तेज कर दिया है। प्रचार अभियान के दौरान हमीरपुर पहुंचे सुरेश चंदेल ने बीजेपी पर तीखे हमले बोले। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए सुरेश चंदेल ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी कहने पर जवाब देते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर आज तक भ्रम में रहे हैं, क्योंकि पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने सरकारें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली स्थिति और भी बेहतर होगी। अभी तक वो भ्रम में रहे क्योंकि अभी तक वो वोट काटने वाली पार्टी नहीं है। उनको ये गलतफहमी है, उनके पड़ोस पंजाब में पार्टी सरकार में है, वहाँ वोट काटा नहीं है बल्कि उन्होंने हरा करके सरकार बनाई है। आज मध्य प्रदेश में अभी सरकार बनी है, राजस्थान में सरकार बनी है और आगे आने वाले समय में देखो आप कहाँ कहाँ पलटती है सरकारें, तो कहीं ऐसा नहीं दिखता। और एक जीवंत संगठन होने के नाते कई बातों पर छोटे मोटी बातों का मतभेद होता है, वो सब में होता है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस आज पहले से बहुत ज़्यादा एकजुट और टारगेट ओरिएंटेड के लोकसभा चुनाव को जीतना है, इस दृष्टि से हर बड़े से छोटा कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में डटा है, ऐसा मुझे दिखता है। वहीं उन्होंने पार्टी में एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बयानबाजी पर सुरेश चंदेल ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन बीजेपी वाले पिछला इतिहास देखते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि गमले में उगे हुए पौधे को जमीन की मिट्टी का एहसास नहीं होता है और बीजेपी में ऐसे ही कई नेता हवा में उड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी के नेता 70 साल के विकास का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। ये कहा कि पार्टी की कार्यशैली में बहुत बदलाव आया है, पार्टी के अंदर जो एक पार्टी एक चीज़ों का संभालती थी, परिवार की तरह पार्टी आगे काम करती थी और मिशन होकर के काम करती थी, वो सारी पार्टी अब उसकी कार्यशैली टोटल चेंज हो गई है। अब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जन नेताओं की ज़रूरत नहीं है, एक नेता से काम चलेगा, ये सारी बातें ऐसी है जो ना तो पार्टी के विचारों से मेल खाती है ना पार्टी की कार्यशैली से मेल खाती है। तो और पार्टी में बड़े लोगों के साथ भी जो उनकी दशा हम देख रहे हैं वो भी चिंतनीय है। हालांकि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के साथ जो विषय हुआ उसका परिणाम उन्होंने भी देखा है, बाकी लोग पता नहीं उसमें से क्यों लेसन नहीं ले रहे और ये परिणाम होता है। तो इसलिए पार्टी की बहुत बदलाव आया है और इसीलिए उस सारे बदलाव को देख करके ये निर्णय करना के लिए हम बढ़े हैं। 70 सालों में बहुत सा काम हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश की क्या स्थिति थी, देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ तो क्या बिना कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण हुआ है क्या? देश ने 71 का युद्ध जीता तो बिना उसके जीता क्या? देश ने कई छलांगे लगाई। हम आज मिसाइल्स बना रहे हैं, आज हम सैटेलाइट के थ्रू जा रहे हैं, बहुत से दृष्टि से देश आगे बढ़ा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हम आज ये दावा नहीं करते कि हमने सब समस्याओं का समाधान कर दिया। अभी भी बहुत सी चीज़ें बची हैं, कई क्षेत्रों को देखने की आवश्यकता है जो बचे हुए हैं, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो नीति है पार्टी की वो आम आदमी गरीब आदमी की तरफ अभी भी है, पहले से रही है और उसकी तरफ हमारा झुकाव हमारी पार्टी की नीति का हिस्सा है और इसलिए हम वो कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, शायद वो पिछला लंबा इतिहास यदि देख लेंगे तो उनको भी या तो उनका अध्ययन कम रहा है और शायद वो अभी अभी कई बार ये भी होता है कि गमले में उगे हुए पौधों को ज़मीन की मिट्टी की जो वो है ताकत उसका अंदाज नहीं होता। जो ज़मीन में पौधे उगते हैं उनको पता होता है कि ज़मीन के अंदर उन्होंने रफ टफ सारी चीज़ें देखी होती है। तो मुझे लगता है कि कई ऐसे हो सकते हैं नेता जो ऊपर ऊपर हवा हवा में हों, उन्होंने इतनी सारे लंबा चीज़ों का अध्ययन नहीं किया है, वो अध्ययन कर लेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी।
कांग्रेस स्टार प्रचारकों पर सुक्खू को हटाए जाने पर चंदेल ने कन्नी काटते हुए कहा कि इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि ऐसा कोई नोटिस कांग्रेस अध्यक्ष को जारी किया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश प्रभारी का कोई बयान इस पर नहीं आता है तब तक इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। खबर अखबार में मैंने भी पढ़ी, मैं उससे जुड़ाव नहीं है कि वो खबर ठीक है गलत है, ये विषय पर प्रभारी जी ही या अध्यक्ष जी ही ज़्यादा कारगर ढंग से इसका उत्तर देंगे, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसे नोटिसों की वजह से अगर ये नोटिस है तो क्या मनोबल गिरता नहीं है कार्यकर्ताओं का? अभी ये सवाल है कि नोटिस है भी कि नहीं है, केवल एक अखबार में मैंने इसको पढ़ा है कि ऐसा हुआ है। अब आपको पता है चुनाव के समय में कई खबरें ठीक और गलत छपी छपाई जाती है, तो इसलिए उसके ऊपर जब तक हम वो ऑथेंटिकेट नहीं होती, जब तक प्रभारी जी का ये बयान नहीं आता कि हाँ मैंने ये किया है, तो उसके बाद उस पर कुछ कहने की स्थिति नहीं है। सर, प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए सुरेश चंदेल ने कहा कि सीएम की बयानबाजी लोकतंत्र के अंदर ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हल्के शब्द करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम हल्के शब्दों से किसी का मजाक बनाकर बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के अंदर जो एक परस्पर सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान से हम दूर जा रहे हैं। और किसी भी पार्टी के, जो इतनी बड़ी पार्टी हो जिसकी देश में सरकारें हो, जिसने 100 साल से ज़्यादा देश में शासन किया हो, जिस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में हो, उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके प्रति कोई भी ऐसे शब्द कहे, मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र के अंदर एक परस्पर सम्मान की भावना से परे है और वो ठीक नहीं है। किसी को भी ये नहीं करना चाहिए, एक सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका से है, केवल एक की भूमिका से नहीं लोकतंत्र जीवित रह सकता। तो जब हम परस्पर दूसरे को सम्मान ना दे करके ऐसे हल्के शब्द करने से कोई हल्का नहीं हो जाता, और कई बार हल्के शब्दों से हम किसी को मजाक उड़ाने में अपने आप को बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे आदमी बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धिमान आदमी अपने कृतित्व से ही हो सकता है।